तो आइए अब हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 30,000 25,000, ठीक है। तो उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे डेबिट साइड में। आपका कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा मीन्स ये आपको पॉजिटिव बैलेंस है तो ये डेबिट साइड में जाएगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट साइड में जाता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डालते हैं 2020 जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस बीडी, क्लियर है। ये आपका फॉर्मेट होता है। इसमें जो हमने सिंपल कैश बुक में देखा था उसमें एक कॉलम होता था सिर्फ कैश का कॉलम, जिसमें सिर्फ अमाउंट रुपीज़ ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे टू कॉलम कैश बुक होता है। टू कॉलम कैश बुक का मतलब दो कॉलम होगा, कैश और बैंक इन बोथ साइड्स, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी, यानी कि रिसिट साइड में भी और पेमेंट साइड में भी। तो पेमेंट साइड में आपको और देखे तो कैश है आपके पास 30,000, कैश वाला अमाउंट कैश कॉलम में चला जाएगा और बैंक वाला बैंक कॉलम, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि फिफ्थ को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो कैश हमने बैंक में जमा कर दिया, तो इससे क्या होगा। आप एक तो इसको जर्नल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ठीक है। तो नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब क्या हुआ कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक यानी कि डेबिट होगा, डेबिट द ये डेबिट द रिसीवर। बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है तो इसीलिए वो आपका बैंक जो है वो डेबिट होगा। तो बैंक वाले कॉलम में डेबिट साइड में डालेंगे, ठीक है। अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट है आपका 8,000, क्लियर है। ये हो गया कि डेबिट साइड में बैंक आपका बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट में होगा, और कैश घट रहा है तो कैश के क्रेडिट वाले कॉलम में डाल देंगे 8,000। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे क्या, तो बैंक के कॉलम में आपने लिखा है तो यहाँ पर टू कैश लिखना होगा, और उधर में आपने कैश के कॉलम में लिखा है तो यहाँ पर बाई बैंक लिखेंगे। अब डेट जो है वो डेट डाल दें 5, यहाँ पर भी 2020 और जनवरी 5। अब ये जो वैसा एंट्री, वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वो हमने देखा है पहले जर्नल एंट्री में कि उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्लियर है। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, दैट एंट्री, दैट जर्नल एंट्री इन विच बोथ कैश एंड बैंक आर इन्वॉल्व इन द सेम एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री, कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ LF का जो कॉलम है उसमें सी लिखते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो एक तरीका तो इस तरीके से हुआ कि हम कॉन्ट्रा एंट्री को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद कह रहा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 प्लस CGST SGST 8% ईच फ्रॉम मोहन। तो परचेज किए हैं तो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पर जाएगा बाई परचेजेस अकाउंट बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST। तो परचेजेस में आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज़। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैश में है कि बैंक में। तो यहाँ पर जो परचेज हुआ है वो कैश से हुआ है तो कैश में हम लोग इस अमाउंट को लिखेंगे 10,000, और GST आपका है 8% मीन्स 800 और 800, क्लियर है। इस तरीके से हमने इसको सिंपल कैश बुक में देखा था आपका कि इस तरीके से एंट्री होती है। हमने जर्नल एंट्री के थ्रू भी देखा था। जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सारा बाई 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 करके यहाँ पे आ जाता है। डेट जो है वो डेट डाल देंगे, 8 तारीख है,
क्लियर है। फिर है सोल्ड गुड्स टू राम, IGST 10%, ऐसे। तो ये आपका कैश है ही नहीं, ना चेक से पेमेंट मिला है फिलहाल 10 तारीख को, यही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में एंट्री डालते ही नहीं है। फिर है 12 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। तो ये जो राम है इससे मेरे को 5000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो जब भी चेक रिसीव होता है, चेक से या तो पेमेंट हो या चेक रिसीव हो, तब जो भी ट्रांजैक्शन है हमारा उसकी एंट्री कैसे कैसे हम लोग करते हैं कि अगर वो चेक सेम डे में बैंक में जमा हो गया है, मीन्स हमें चेक रिसीव हुआ और हमने उसको अपने बैंक अकाउंट में जा कर के जमा करा दिया ऑन द सेम डे, क्लियर है, तब हम लोग इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे उसी दिन, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन, 12 तारीख को सेम डे में बैंक में जमा हुआ है, तो 12 तारीख को पैसा यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, बैंक बढ़ रहा है इसका मतलब, तो बढ़ने पर बैंक डेबिट साइड में लिखाता है। अमाउंट डेट क्या है, 15, ठीक है। 15 तारीख को क्या हुआ है कि बैंक बढ़ रहा है, बैंक कितने रुपए से बढ़ रहा है आपका, 5000 से। ये 5000 रुपये हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए हैं, दिया कौन था ये, राम, तो टू राम, क्लियर है। ऐसे करके जो वक्त जो कॉलम खाली है उसमें डैश मार देंगे, इधर सब डैश 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 हो जाएगा, क्लियर है। ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ये चेक सेम डे में बैंक में नहीं जमा होता, ठीक है, सपोज़ 15 तारीख को नहीं, ये 12 तारीख को चेक रिसीव का डेट है, 12, सपोज़ 12 तारीख को चेक रिसीव हुआ और उसको हमने जमा करा है 13 या 14 या 15 16 17 मीन्स 12 के बाद कोई भी डेट में, तो 12 तारीख को उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं होगी। ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई उस दिन बैंक या कैश किसी से कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, बैंक या कैश किसी से कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो उसकी एंट्री भी नहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उसकी एंट्री भी नहीं जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। हाँ, तो जिस दिन 12 को, तो 13 14 15 मान लो सपोज हमने कहा कि 20 तारीख को उसको हमने बैंक को जमा करा, वो चेक को बैंक में 20 तारीख को जमा करा, तो 20 तारीख को एंट्री कैश बुक में जाएगी डेबिट साइड में, ऐसे ही बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में, टू चेक्स इन हैंड करके, क्लियर है, टू चेक्स इन हैंड करके। क्यों, क्योंकि वो चेक हमारे पास आ गया था और अब हमारे पास वो चेक्स इन हैंड के रूप में है। तो जो हमने एंट्री 12 तारीख को नहीं डाली थी ना, कैश बुक में नहीं डाली थी, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री होगी, और जर्नल एंट्री क्या होती है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, उसका जर्नल एंट्री होगा, कैशबुक में नहीं जाएगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। अब वहाँ पर चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है 12 को, तो यहाँ पर करके टू चेक्स इन हैंड वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे बैंक में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर कह रहा है 15 को पेड रेंट ऑफ 4000 प्लस CGST SGST 8% बाई चेक। तो हमने चेक का चेक से पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा बैंक के कॉलम में, क्लियर है, बाई रेंट करके, रेंट हमारा खर्चा है, और भी हमने क्या क्या दिया इस पर, कोई भी खर्च होता है उस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST लगता है, ठीक है। कितने रुपए का है, तो ये है आपका 4000 का, और ये पेमेंट चेक से हो रहा है तो कैश में नहीं जाएगा, ठीक है, ये पेमेंट चेक से हो रहा है ना, तो ये कैश में नहीं जाएगा, बैंक में जाएगा। बैंक में कितना जाएगा, 4000 और 8% है CGST SGST, तो 320, क्लियर है, ठीक है। डेट डाल देंगे, रेंट का डेट क्या है, तो 15, इसको चाहें तो एक ही बार लिख सकते हैं, नीचे वाला 15 अपने आप वो अंडरस्टूड हो जाएगा, 15 यहाँ लिखें या फिर इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो अंडरस्टूड होगा कि वो 15 है, बाकी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये ठीक है। रेंट के बाद आइए विथड्रू फ्रॉम बैंक, अब बैंक से निकल गया है पैसा,
withdrew from bank, तो बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक बैलेंस घट रहा है, तो बैंक बैलेंस घट रहा है तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए बैंक बैलेंस घटाते हैं, बैंक बैलेंस घटाते हैं और कितना रुपए से 6000 से घटाना है आपको, तो ये 6000 से बैंक बैलेंस घट गया। और बढ़ेगा क्या, कैश, तो कैश में बढ़ा दीजिए 6000। और फिर से इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, जिस एंट्री में दोनों साइड जाएगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। तो आपको सी यहाँ भी लिखना है, सी फॉर कॉन्ट्रा, और फिर सी यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये बैंक के कॉलम में गया तो यहाँ पे लिखाएगा बाई कैश, ठीक है, और यहाँ पर कैश के कॉलम में है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ 18, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आप इस तरीके से डाल सकते हो, बाकी आप जर्नल एंट्री भी सोच के डाल सकते हो कि विड्रू फ्रॉम बैंक है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी ये जर्नल एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट मतलब बाई कैश, तो बाई कैश होगा तो यहाँ चलिए बाई कैश लिख दिए, बाई कैश क्रेडिट साइड में ही तो होगा हमेशा, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में हमने बाई कैश लिख दिया। और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बोला था तो टू बैंक यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये बस इतना आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ कैश अगर बैंक लिखाया है तो अमाउंट कैश के कॉलम में जाएगा, अगर यहाँ पे कैश लिखाया है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में जाएगा। वही चीज़ देखिए ये ऊपर वाले एक और काउंटर एंट्री में भी हमने करा था कि अगर यहाँ कैश लिखाया है तो ये बैंक के कॉलम में गया, अगर यहाँ पर दूसरा सी कहाँ था, यहाँ अगर यहाँ पे बैंक लिखाया है तो यहाँ कैश के कॉलम में अमाउंट गया, ठीक है, ऐसे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का हिसाब किताब होता है, ठीक है। पेड सैलरीज बाई चेक, पेड सैलरीज बाई चेक का मतलब हमने पेमेंट किया तो ये पेमेंट साइड में जाएगा, पैसा जा रहा है ना। देख कैश बुक बड़ा ही आसान है, कुछ आपको इसमें सोचना ही नहीं है, बस इतना सोचना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, और ये तो क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, क्लियर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो पेमेंट कह रहा है तो पैसा जा रहा होगा तो यहाँ पर पेमेंट साइड में जाएगा, ठीक है, कितने रुपए जाएंगे। और चेक से कह रहा है तो बैंक के कॉलम में डाल दीजिए 3000 रुपीज, रेंट का पैसा है क्या, सैलरीज का पैसा है तो भाई सैलरीज अकाउंट 31, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हिसाब किताब कैश का और बैंक का, ठीक है, सारा सारी की सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालना सीख चुके हैं ऑलरेडी, कैसे करते हैं फिर से एक बार देखते हैं। ये डेबिट साइड का टोटल कर दीजिए और कैश का कॉलम का अलग से, फिर कैश के कॉलम के क्रेडिट साइड वाले को टोटल करके माइनस कर दीजिए आपस में, जो बैलेंसिंग फिगर होगा जिस साइड कम आ रहा है उस साइड लिख देंगे। अब कैश का तो डेड श्योर है कि वो बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में ही लिखाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ही कम होगा हमेशा, क्लियर है, ऐसे। मतलब कि कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्लियर है। तो टोटल इसका आ रहा है 36000, और यही साइड वाला टोटल बड़ा है, यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे बाई बैलेंस सी डी कितना 16400, क्लियर है। तो ये हो गया हिसाब किताब कैश का कॉलम का, हमने सी डी निकाल दिया। अलग अलग ऐसे ही करना है आपको, पहले कैश का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए फिर बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। 38000 टोटल, यहाँ भी 38000 ही आएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो लिख दीजिए, ये हमारा 24360 जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको यहाँ लिख देंगे 24360। तो इस तरीके से टू कॉलम कैश बुक हमारा बनता है। तो ये क्या आया, ये जो आया, ये आया ना, ये जो लास्ट में हमारा पास आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है।
और ये आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आया। अगर यही बैंक का बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता, डेबिट साइड का बैंक का कॉलम का टोटल कम आता उससे, तो माइनस करते तो वो आपका इस साइड में लिखाता और उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है।